हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार गृह रक्षा विभाग की ओर से छठी से आठवीं कक्षा तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बिलासपुर जिला में ये कार्य आदेशक अजय बौद्ध की अध्यक्षता में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार गृह रक्षा विभाग की ओर से छठी से आठवीं कक्षा तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में ये कार्य आदेशक अजय बोध की अध्यक्षता में किया जा रहा है। खंड स्तर पर कंपनी कमांडर एसपीसी जगन्नाथ की अध्यक्षता में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्लासला में प्रशिक्षक विजय कुमार राणा द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में खासकर लड़कियों को जीवन में आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा और अपना बचाव किस तरह से किया जाएगा के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके सिखाए जा रहे हैं। साथ ही बचाव के तरीके आपातकालीन तरीके में कैसे बचा जाए उसके लिए भी गुर सिखाए जा रहे हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग, भूमि कटाव, रोड एक्सीडेंट, हड्डियों की टूटना, सीपीआर चेकिंग, सांप के काटने पर उपचार इत्यादि गुर बताए गए। प्रशिक्षक विजय कुमार राणा ने बताया कि लड़कियों को जो आत्म सुरक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार के गुर सिखाए गए हैं, इनकी मदद से लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं ताकि समय आने पर हर प्रकार की मुसीबतों का सामना कर सकें। मेरा नाम पलक है, मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्लासला में आठवीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमें यहाँ पर आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बचाव के भिन्न भिन्न तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे हम अपना बचाव स्वयं कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही हमें बचाव के आपातकालीन तरीके जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, एक्सीडेंट, आग, हड्डी टूट, सांप के काटने पर भगदड़, सीपीआर चॉकिंग इत्यादि के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम अंतरा है, मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्लासला में सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमें यहाँ पर आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बचाव के भिन्न भिन्न तरीके सिखाए जा रहे हैं जिससे हम अपना बचाव स्वयं कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही हमें बचाव के आपातकालीन तरीके जैसे भूकंप, भूस्खलन, एक्सीडेंट, आग, हड्डी टूट, सांप के काटने पर भगदड़, सीपीआर चॉकिंग इत्यादि के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।